ये देखो, एक भी सिलवट नहीं है। देखा मैंने कैसे किया? अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा करके दिखा दूंगा, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि जब तुम करोगी तो सारा झूठ पकड़ा जाएगा। काम के मामले में मुझे लापरवाही बिल्कुल मंजूर नहीं। इसके आई बाबा इतने मीठे स्वभाव के, और ये ऐसे खड़ूस कैसे निकल गया? सुन रही हो? हाँ। रंगों के बारे में पता होना एक बात है और कपड़ों की रंगाई अलग बात। बाबा को तो तुमने प्रभावित कर लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा कि तुम्हें काम देना है कि नहीं। ध्यान लगाओगी तभी सीखोगी। इधर उधर की बातें सोचती रहोगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी। कुछ समझ भी आ रहा है या ऐसे ही सर हिलाई जा रही हो? समझ तो रही हूँ। तो बताओ क्या कहा मैंने? वो इधर उधर की बातें सोचती रहोगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। उससे पहले क्या कहा? आदि ये ले, देख ठंड बहुत बढ़ गई है, हो सकता है बारिश भी हो, तू ये काढ़ा पी ले। कृष्णा तुम भी पी लो। आई अभी नहीं आई, हम कुछ काम कर रहे हैं। जितनी देर बहस कर रहा है उतनी देर में तो पी भी लेता। देख कृष्णा ने पी लिया ना। कुछ लोगों को तो बहाना चाहिए काम ना करने का। मुझे पता है तू काम को लेके कुछ ज्यादा ही गंभीर है, और अगर तू ही बीमार पड़ गया तो काम कौन देखेगा, इसीलिए तेरा ये पीना और भी ज्यादा जरूरी है। चल मुंह खोल, पी जल्दी। आज आई होती तो वो भी मेरी ऐसी ही चिंता करती। ये क्या कर दिया? पूरे कपड़े पर सिलवटें पड़ गई हैं। सूख जाने के बाद यहां रंग जमा हो जाएगा, और एक समान रंग नहीं होगा तो कौन खरीदेगा ये कपड़ा? कर दिया ना नुकसान। मैंने पहले ही कहा था कि ध्यान लगा के काम करना, मुझे लापरवाही मंजूर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कपड़ा तो गया ना। तुम्हारे माफी मांगने से इस कपड़े के नुकसान की भरपाई होगी क्या? बस कर आदि, कितना डांटेगा बेचारी को। वो कह तो रही है दोबारा ऐसा नहीं करेगी। दोबारा हुआ ना फिर देखना। कान खोल के सुन लो, मुझे काम के मामले में अनुशासन पसंद है। मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, मैं तुम्हारा मालिक हुआ, और अपने मालिक पर हंसकर तुम अपनी पहली गलती कर चुकी हो। दूसरी गलती इस कपड़े को खराब करना, और अगर तीसरी गलती हुई तो तुम काम से बाहर। ये आदि भी ना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ही गंभीर हो गया। मैंने कहा था ना, जिस दिन ये इस घर से विदा होगी उसी दिन से इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कृष्णा, कहाँ गई होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी वो? आप इतनी सेवा करते थे हो, फिर भी उसके साथ अन्याय क्यों? उसको इतना दुख क्यों?
संभालो संभालो। धीरे मंदिर की सीढ़ी बैठ संभाल धीरे। गोवर्धन खाली ना फिर से ठोकर, लगता है तेरा जन्म ही ठोकर खाने के लिए हुआ है। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेचारे को चोट लगी है और तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो, बल्कि तुम्हें तो इसकी मदद करनी चाहिए। मदद? सरकार ने इसकी मदद की थी इसको कर्ज देकर, पूछो इससे, आज तक ये वो कर्ज नहीं चुका पाया है। सुन गोवर्धन, जल्द से जल्द सरकार का कर्ज चुका दे या फिर निकल जा अपने घर से, और अगर नहीं भी निकला तो हम तुझे निकाल देंगे, समझा? सरकार से मुझे थोड़ा समय और दिला दीजिए। ठीक है ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, दी तुझे 2 दिन और की मोहलत, लेकिन याद रख अगर 2 दिन में भी पैसे नहीं दे पाया तो खुद ब खुद चुपचाप घर खाली कर देना। मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, कोई अधर्म नहीं किया, ईश्वर की भक्ति भी की, फिर भी मेरे हिस्से में इतना कष्ट क्यों? आज जब भगवान के घर आ रहा था तो ये चोट खा ली, और ये संता जो हमेशा से बुरे कर्म करता आया है, इसके हिस्से में सिक्के, इसे ईश्वर का न्याय कहूं या अन्याय? अब मुझे मंदिर नहीं जाना, ऐसे ईश्वर से क्या उम्मीद रखना जो न दूसरों का दर्द देख सकता है न सुन सकता है। हनुमान, क्या ये सच है? तुम किसी का दुख देख नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते? भगवान तो वो देख सकते हैं जो हम देख नहीं पाते, इसीलिए वो मौन है। इसका क्या मतलब है साई? कर्म से बड़ा कोई दाता नहीं, कर्म अच्छे हो या बुरे फल तो मिलना ही है, ये तो जन्म जन्मांतर का ऋण होता है, इस जन्म में नहीं चुका तो अगले जन्मों में चुकाना ही पड़ता है। कर्म फल के चक्र से तो ईश्वर भी मुक्त नहीं है। गोवर्धन ने ऐसा क्या किया था बाबा? पिछले जन्म की कुछ गलतियां थी उसके, सजा अब मिल रही है। लेकिन संता ने तो सबके साथ बुरा किया है, फिर
भी उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है सर? संता ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसका सुख उसे इस जन्म में मिल रहा है। मगर बाबा, क्या कोई तरीका नहीं है अपना भविष्य बदलने का, पहले की हुई भूल के फल से मुक्त होने का? तरीका तो एक ही है, सत्कर्म इतने करो कि उनके सामने बुरे कर्म कम पड़ जाए। आइए मेरे साथ। ये लीजिए पैसे। मुझसे पैसे मांगेगा है? अगर मुझसे दोबारा पैसे मांगे ना तो कुलकर्णी सरकार को बोलकर तेरी ये दुकान जब्त करा दूंगा मैं। माफ कर दीजिए साहब। एक किलो बेसन के लड्डू बांध दो। ये पोटली? साहूकार जी, मेरा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। ये पोटली मुझे मारुति मंदिर के पास पड़ी हुई मिली थी। हा? ये मेरे पैसों की पोटली है। कब से ढूंढ रहा हूं इसको। ये मेरी पोटली है, मुझे वहां गिरी हुई मिली थी। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत, एक तो मेरे पैसों की चोरी की और ऊपर से मेरे से ऐसे बात करेगा। कुलकर्णी सरकार को बताना पड़ेगा कि उनके नौकर उनके पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। और ये मिठाई, ये भी तूने मेरे पैसों से खरीदी होगी, तो ये भी मेरी है। ला दे इधर। ये तो सरकार का खास है, अब सरकार मेरी एक नहीं सुनने वाले। देखा आपने, संता को पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप पैसों की पोटली तो मिली, लेकिन इस जन्म के अपने बुरे कर्म के कारण उसे जो भी मिला उससे छीन गया, उसके पास टिका नहीं। आइए मेरे साथ। आज भी कोई काम नहीं मिला, चार पैसे नहीं जुटा पा रहा हूं, क्या करूं? बेटा, बहुत कमजोरी आ गई है, मुझे मधुमेह की बीमारी है, अब घर जाने की भी ताकत नहीं। एक फल तो दे दो बेटा। क्या झूठ बोल रहे हो काका, देखने में तो अच्छे खासे घर से लगते हो और मुफ्त में फल मांग रहे हो। पैसे नहीं लाया, वरना दे देता बेटा। ऐसे बहाने बहुत सुने काका, जाओ आगे बढ़ो। रुकिए काका, ये लो भैया, केले दे दो। आओ काका, संभाल के बैठिए काका। ये लीजिए काका।
तुम बहुत नेक इंसान हो, तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बदले में कुछ पाने के लिए मदद नहीं की काका। बेटा क्या काम करते हो? काम की तलाश करता हूँ, ये भी तो एक बड़ा काम है ना काका। बेटा तुम्हारी तलाश खत्म हुई, मैं सोने का व्यापार करता हूं, उसके लिए मुझे भरोसे का आदमी चाहिए, ऐसा इंसान जो नेक हो, ईमानदार हो, तनख्वाह अच्छी होगी, बोलो काम करोगे? अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हे ईश्वर, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, अंधा तो मैं था जो तुम्हारी करुणा को नहीं देख सका। हे हनुमान जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। काका मैं करूंगा, जरूर करूंगा। देखा आपने, गोवर्धन ने पिछले जन्म में भले ही बुरे कर्म किए, लेकिन इस जन्म की अच्छाई से उसके बुरे कर्मों का असर कम हो गया। मेरे कृष्णा ने भी नेक काम किए आज तक, क्या उसकी किस्मत भी बदलेगी? सवेरा फूटने से पहले की रात सबसे काली होती है, लेकिन फिर भी वो सुबह को रोक नहीं पाती। ये आवाज कैसी? बाहर कारखाने से आवाज आ रही है। तेरी गलती हो चुकी है। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चोरी कर रही थी तुम? मैं चोर नहीं हूं मालिक, मैं चोरी नहीं। मुझे झूठ से सख्त चिढ़ है और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। वो कपड़े ले जाना चाहती थी ना तुम? सही, दरअसल बीज बोने का काम कल तक खत्म करना ही आवश्यक था, नहीं तो बारिश हो जाती
बहुत मुश्किल हो जाता। वैसे आज भी हल्की बारिश हो ही गई है तो भीग गए हम। तुम दोनों कुछ देर यहीं रुको, अपने कुर्ते मुझे दे दो। ठीक है सर। ये लीजिए सर। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। जागना जरूरी है। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अचानक इतने गर्मी, जैसे आग लगी है चारों ओर। बाहर सब ठीक तो है? ऐसा नहीं है। एक अनजान लड़की से ज्यादा मुझे खुद पर यकीन है। जो मैंने देखा सुना उस पर यकीन है। इसलिए किसी अनजान पर राह चलते पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आई से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस काबिल हो ही नहीं। लेकिन आपने जो देखा, एहसान फरामोश हो तुम। जिस घर ने तुम्हें खाना दिया, विश्वास दिया, आसरा दिया, उन्हीं को धोखा देने चली थी तुम। तुम जैसों से अच्छा हम कोई जहरीला सांप पाल लेते। सुनने सहन करने की भी कोई सीमा होती है। आप मालिक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो कहेंगे। मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही ऐसे किसी भी इरादे से मैं यहाँ आई हूँ। बदनसीब हूँ लेकिन बदनीयत नहीं, गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है मैंने। अच्छा,
तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, सबूत देना होगा। सबूत मेरे पास है। राजीवा तुम? यही चोर है, इसे ही रोकने की कोशिश कर रही थी मैं। हाँ रीना, ये यहां चोरी करने आया था। अच्छा हुआ मैं समय पर उड़ गया। और देखा, ये यहां से भागते हुए लकड़ियों में उलझ गया, इसलिए समय पर भाग नहीं सका, नहीं तो भाग ही जाता अगर मुझे एक क्षण की भी देरी हो जाती। तुमने देखा था इसे? जी, मैं सोई हुई थी जब मुझे कुछ आवाजें आई। ये लड़की आखिर मत बन, छोड़ो। ये कौन से तेरे कपड़े? ए, ए, क्यों मरना चाहती है किसी और के सामान के लिए? चल हट जा। आदिनाथ, तुमने क्या कहा कृष्णा से? तुम इतने नमक हराम निकलोगे दाजीबा, मैंने सोचा नहीं था। बाबा कल सुबह ही पुलिस में इसकी शिकायत लिखवाएंगे। नहीं नहीं साहब, मैं हाथ छोड़ता हूं आपके सामने। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं दोबारा इधर की तरफ देखूंगा तक नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ। आदिनाथ जाने दो इसे, तुरंत निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं। महिमा मेरे साई कौन जान पाया।